नमस्कार, कुक विद अर्चना मोहिनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी करवा चौथ आने वाली है और इसमें गुलगुला अवश्य बनता है। वो गुलगुला बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनता है। गुलगुला बनाने के लिए 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, इसमें 3/4 कप चीनी, 3/4 कप दूध, और इसको मैं 1 घंटा पहले मिला कर रख दी जिससे कि चीनी अच्छे से घुल जाए। और इसको इसी में एक छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच मोटी सौंफ डाल देते हैं। यह जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार है, आपको पसंद है तो डालिए और नहीं तो नहीं। 1 टेबल स्पून कसा हुआ नारियल डालते हैं। ये सब अपनी इच्छा अनुसार है कि आपको पसंद है तो डालिए। 2-3 इलायची को कूटकर इसमें डाल देते हैं और इलायची डालने से स्वाद अच्छा आता है। और इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। इसी में 1 चम्मच मलाई भी डालते हैं। मैंने दूध बिना मलाई का डाला था इसलिए अभी मैं 1 चम्मच मलाई डाली हूँ। मलाई डालने से थोड़ा सॉफ्ट बनता है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। घी गरम हो गया है, इसमें गुलगुला डाल देते हैं। पकौड़ी के समान डालते हैं, थोड़ा थोड़ा दूध पे डालते हैं जिससे वो चिपके नहीं। ये गुलगुले के डो को अच्छे से फेंट लेते हैं। फेंटने से ये फ्लफी बनता है, फूला हुआ बनता है। ये देखिए पकौड़ी के समान ये फूला फूला हुआ है। और हमेशा भारी तले की कढ़ाई पे ही ये बनाते हैं, जिस तरह पकौड़ी वगैरह बनाते हैं। ये हमारी लोहे की भारी तले की कढ़ाई है, इसमें बहुत अच्छा बनता है। गुलगुला बनकर तैयार हो गया है। यह हमारी करवा चौथ की तैयारी हो गई। आप भी बनाइए, करवा चौथ पे भोग लगाइए, अपने परिवार में सबको खिलाइए। यह बड़े छोटे सभी पसंद करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए। धन्यवाद।